हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.7 चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का एक्सरसाइज नंबर 2.7। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 0.4 डिवाइडेड बाय 2। यहां पर हमें डेसिमल नंबर्स का डिवीजन करना है, डिवाइड करना है। तो हम देखते हैं कैसे करते हैं। फर्स्ट 0.4 डिवाइडेड बाय 2, तो हम इस 0.4 को सबसे पहले इसके पॉइंट को हम हटाएंगे। तो 0.4 में पॉइंट के बाद हमारे पास वन डिजिट है, तो हम यहाँ पॉइंट के लिए 1 और वन डिजिट के लिए यहाँ 0 लगाएंगे। इससे हमारा पॉइंट यहाँ से हट जाएगा। इस पॉइंट को हम यहाँ से हटाकर दिखाते हैं। डिवाइडेड बाई 2/1, तो हम इसे लिखते हैं 4/10 और इसे हम कर देते हैं इनटू। इसे डिवाइड से हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने से हम 2/1 को रेसिप्रोकल करके 1/2 लिखते हैं। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 4 1 जा 4 एंड 10 2 जा 20। सो इसे हम और सिंपल कर सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। आंसर इज 1/5। सेकेंड क्वेश्चन इज 0.35 डिवाइडेड बाय 5। सेम ऐसे ही इसे भी हम सॉल्व करते हैं। 0.35 अपॉन, यहाँ पॉइंट के लिए हमने लगाया 1 और पॉइंट के बाद हमारे पास 2 डिजिट, तो हम यहाँ लगाएंगे 20, पॉइंट हट गया। डिवाइडेड बाय 5/1, ये पॉइंट नहीं है, 5/1 है। इक्वल 35/100, मल्टीप्लाई करते हम डिवाइड को, ऐसे हम करते 1/5। इक्वल टू 35 1 जा 35 अपॉन 5 × 100, 500। इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं। 5 7 जा 35 एंड 5 1 जा 5, 500, 500 जा 0, 7/100 इज द आंसर। नंबर 3 है 2.48 डिवाइडेड बाय 4। सो 2.48 के लिए हम पॉइंट के लिए 1 लगाते हैं और 2 डिजिट के लिए 220 डिवाइडेड बाय 4/1 लिखते हैं। इसे हम 248 लिखते हैं पॉइंट हटा के, अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1/4। यहाँ मल्टीप्लाई, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के बाद हमेशा इस नंबर का रेसिप्रोकल करना आवश्यक है। तो 4/1 हो जाता है 1/4। अब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। 248 1 जा 248 अपॉन 400, 4 × 100 400। अब हम इसे और सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। हम डिवाइड करते हैं इस नंबर को 4 से। 4 6 जा 24 एंड 4 2 जा 8, यहाँ पर 4 1 जा 4 एंड 0 0। ओके स्टूडेंट्स, अब 62 को हम डिवाइड करते हैं। किस नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं? हम करते हैं इसे नंबर 2 से डिवाइड। 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2 और यहाँ 2 5 जा 10 एंड 2 0 जा 0। आंसर इज 31/50। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 इज 65.4 डिवाइडेड बाय 6। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ 65.4 अपॉन हम लिखते हैं 10, पॉइंट के लिए 1 एंड सिंगल डिजिट के लिए 0 इंटू 6/1। तो 654 अपॉन 10 इंटू यहाँ पर हमारा डिवाइड लगाना था हमें। हम रेसिप्रोकल करते तब होता है मल्टीप्लाई और 1/6 हो जाता है। अब इसे हम 654 अपॉन 6 10 जा 60 लिखते हैं। इसके बाद हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं। हम डिवाइड करके देखते हैं। 6 से डिवाइड करते हैं, 6 10 जा 60 होता है सबसे पहले, तो ऊपर 6 1 जा 6 एंड 5 तो डिवाइड नहीं होगा 6 से, तो 6 0 जा 0 एंड 6 9 जा 54 10 पॉइंट 109 अपॉन 10। इन्हें हम डेसिमल फॉर्म्स में भी ला सकते हैं इन नंबर्स को। अगर हम 10 1 से 109 को हम डिवाइड करते हैं 10 से, तो 10 1 जा 10 9, 10 0 जा 0, 9 अगेन आ गया, पॉइंट लगाया, 10 9 जा 90। सो हमारा यहाँ डेसिमल आंसर होता है 10.9। इसी तरह से हम इन नंबर्स को भी डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि 1.1/5 को हम 0.2 लिख सकते हैं एंड 7/100 को हम 0.07 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम इन नंबर्स को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं डिवाइड करके। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज 5 में आए हम। क्वेश्चन नंबर 5 इज 651.2
डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पर हमें 651.2 अपॉन पॉइंट के लिए 1 एंड 0 लगाना है वन डिजिट के लिए, डिवाइडेड बाय 4 बाय 1 हमने लिखा। फिर हम 6512 अपॉन 10 इंटू 1 बाय 4 करते हैं, इन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं। 6512 1 जा 6512 अपॉन 10 4 जा 40। इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं, हम डिवाइड करते हैं इसे 4 से, नंबर 4 से हम 40 को डिवाइड करते हैं तो 4 टाइम जा 40, और ऊपर हम 6512 को डिवाइड करते हैं 4 से तो 4 1 जा 4 2 एंड 5 4 6 जा 24 रिमेनिंग 1 एंड 1 यहाँ आया 4 2 जा 8 3 रिमेनिंग एंड 2 4 8 जा 32। सो आंसर इज 1628। 1628 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा पॉइंट अगेन, जैसे हमने पॉइंट नीचे हम लाने के लिए पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट होता है तो हम 10 लगाते हैं, वैसे ही हमारे पास अगर नीचे 10 है डिनोमिनेटर में तो हम पॉइंट लगाने के लिए 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं। सो आंसर इज 162.8 इज द आंसर। हमारा ये आंसर और ये आंसर दोनों ही सही है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 इज 14.49 डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ पर 14.49 अपॉन पॉइंट के लिए 1 एंड 00 डिवाइडेड बाय 7 बाय 1 1449 अपॉन 100 इंटू 1 बाय 7 रेसिप्रोकल करेंगे हम अगेन, मल्टीप्लाई 1400 49 का 1 से करने पर आंसर 1449 आएगा अपॉन 7 इंटू 100 700। ओके स्टूडेंट्स, इसे अब हम डिवाइड करते हैं 7 से। हमें यहाँ पर एक सिमिलरिटी दिखती है कि 1449 दोनों ही 7 से डिवाइड हो जाते हैं और 700 भी, तो हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे 7 से तो 700 जा 700 एंड ऊपर हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं 72 जा 14 एंड 4 के लिए 70 जा 0 फिर 49 को लेंगे हम 77 जा 49। अब हमें यहाँ पर इस नंबर को डेसिमल में अगर चेंज करना है तो हमारे पास 20 है नीचे 100 है तो हम ऊपर से 2 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे। सो आंसर इज 2.07। ओके स्टूडेंट्स, आपको पॉइंट लगाना भी आ जाएगा इस तरह से 3.96 डिवाइडेड बाय 4। सो 3.96 अपॉन पॉइंट के लिए 1 एंड 00 डिवाइडेड बाय 4 बाय 1 396 अपॉन 100 इंटू 1 बाय 4 हमने रेसिप्रोकल किया इक्वल टू 396 अपॉन 400। हम यहाँ पर फिर 4 से डिवाइड करके देखते हैं तो 4 से हमने डिवाइड किया 400 को तो आंसर आया हमारा 4 1 जा 4 एंड 4 0 जा 0। ऊपर के नंबर को हम डिवाइड करते हैं 4 से 4 8 जा 32 4 9 जा 36 तो हम यहाँ 4 9 जा 36 लेते हैं। 39 माइनस 36 हमारे पास 3 बचा, अगेन हमारे पास आया 36 तो हम 4 9 जा 36 फिर से लेते हैं तो 99 बाई 100। अब हम इसे डेसिमल में चेंज करते हैं तो हमारे पास तो ऊपर 2 डिजिट ही है और 100 है हमारे पास 3 डिजिट नंबर तो हम 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा के सामने 0 लगा सकते हैं। यहाँ 99 हमने लिखा पॉइंट एंड लगा दिया सामने 0, 2 डिजिट के पहले हमने लगा दिया 0। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज 0.80 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ 0.80 अपॉन 100 आएगा डिवाइडेड बाय 5 बाय 1 सो 80 अपॉन 100 इंटू 1 बाय 5 मल्टीप्लाई करते हैं 81 जा 80 एंड 105 जा 500। अब यहाँ सबसे पहले तो हम ये 0 और 0 एक एक 0 कट कर सकते हैं 8 बाई 50 आया हमारा आंसर 8 अपॉन 50। अब अगर हम 8 को डिवाइड करते हैं 50 से तो हमारा आंसर क्या आता है हम करके देखते हैं। 8 को हमने डिवाइड किया 50 से 50 0 जा 0 8 वापस आया हमने लगाया पॉइंट तो यहाँ हम लिख सकते हैं 0 50 1 जा 50 30 हमारे पास रिमेनिंग है हम 1 और 0 लगाते हैं। अब हम देखते हैं 5 6 जा होता है 30 तो हम यहाँ लेते हैं 6 6 0 जा 0 6 5 जा 30 सो यहाँ पर ये हो गया सॉल्व तो आंसर आया 0.16। आंसर इज 0.16। ओके स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 1।
नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू, ऐसा ही है ये भी। क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट है 4.8 डिवाइडेड बाय 10, तो हम 4.8 को हमें डिवाइड करना है 10 से। 4.8 अपॉन यहाँ पर पॉइंट है नाइन पर आता है हमारे पास 10 डिवाइडेड बाय 10 बाय 1, तो यहाँ 48 बाय 10 इंटू 1 बाय 10 करते हैं हम। मल्टीप्लाई हमने किया 48 अपॉन 100 हो गया, 10 इंटू 10 100। अब हमें इसे डेसिमल में चेंज करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0.48, फोर टू डिजिट के बाद हमने लगा दिया पॉइंट 0.48। क्वेश्चन नंबर टू इज 52.5 डिवाइडेड बाय 10, 52.5 अपॉन यहाँ पर 10 लिया, पॉइंट हटाया हमने, डिवाइडेड बाय 10 बाय 1, 525 अपॉन 10 इंटू 1 बाय 10, यहाँ 525 अपॉन 10 इंटू 10 100। अब हम इसे डेसिमल में चेंज करेंगे, टू डिजिट के बाद हम सीधे सीधे पॉइंट लगा सकते हैं, तो यहाँ 52 के बाद हमने लगाया पॉइंट और लिख दिया 5 को 5.25 के। क्वेश्चन नंबर थ्री इज 0.7 डिवाइडेड बाय 10, तो 0.7 अपॉन 10 पॉइंट हट गया, डिवाइडेड बाय 10 अपॉन 1, तो यहाँ 7 बाय 10 इंटू 1 बाय 10 हम लिखेंगे, 7 वन जा 7, 10 टेन जा 100। अब हमें इसे डेसिमल में चेंज करना है तो 70, हम सिंगल डिजिट है तो उसे डबल डिजिट भी बना सकते हैं, इसके बाद हम लगाया पॉइंट फिर हमने लगा दिया 0, दैट इज द आंसर। नंबर फोर इज 33.1 डिवाइडेड बाय 10, 33.1 अपॉन 10 पॉइंट हटाया हमने, डिवाइड 10 अपॉन 1, सो 331 अपॉन 10 इंटू 1 बाय 10, आंसर यहाँ आएगा 331 अपॉन 10 इंटू 10 100। अब इसे हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो 3.31 इज द आंसर, टू डिजिट के बाद हमने लगाया पॉइंट। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव इज 272.33 डिवाइडेड बाय 0.23 है, सॉरी डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ पर हम 272.23 में से पॉइंट हटाते हैं, 100 डिवाइडेड बाय 10 अपॉन 1, 272.23 अपॉन 100 इंटू 1 बाय 10, 272.23 अपॉन 1000, हमारे पास नंबर आया 1000। अब हम थ्री डिजिट के बाद लगा देंगे पॉइंट, तो 272.23 हमने लिखा सभी नंबर्स को, उसके बाद 1 2 3 1 2 3 के बाद हमने लगाया पॉइंट, दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नंबर सिक्स इज 0.56 डिवाइडेड बाय 10, सो 0.56 अपॉन 100 पॉइंट हटाया हमने, 10 अपॉन 1, 56 अपॉन 100 इंटू 1 बाय 10, 56 अपॉन 1000, सो डेसिमल फॉर्म आएगा 56। ये तो टू ही डिजिट है, हमें चाहिए थ्री डिजिट, तो हम यहाँ लगाते हैं जीरो सामने, उसके बाद पॉइंट और यहाँ एक और जीरो, 0.056 इज द आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन इज 3.97 डिवाइडेड बाय 10, तो 3.97 अपॉन 100 हमने लिखा, डिवाइडेड बाय 10 बाय 1, 397 अपॉन 100 इंटू 1 बाय 10, 397 अपॉन 1000, सो यहाँ पर अब हम डेसिमल फॉर्म में इसे चेंज करते हैं तो 0.397, थ्री डिजिट है तो थ्री डिजिट के बाद हमने लगा दिया यहाँ पॉइंट, दैट इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री। फॉर
फर्स्ट है यहाँ 2.7 डिवाइडेड बाय 100। तो 2.7 में से हमें पहले पॉइंट हटाना है, ये पॉइंट हमने हटाया, डिवाइडेड बाय 100 बाय 1। सो 27 अपॉन 10 इंटू 1 बाय 100। सो आंसर इज 27 बाय 1000। अब हमें थ्री डिजिट के बाद पॉइंट लगाना होगा, तो हम 0.027 लिखते हैं, दैट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर टू, 0.3 डिवाइडेड बाय 100। तो 0.3 अपॉन 10 करते हैं हम, पॉइंट हट गया हमारा, 100 बाय 1। 3 बाय 10 इंटू 1 बाय 100 इक्वल 3 अपॉन 1000। इसका डेसिमल नंबर हुआ, हमें थ्री डिजिट के बाद पॉइंट चाहिए, हमारे पास है नंबर ओनली 3, के पीछे सामने हम लगाते हैं 20, 1, 2, 3 डिजिट हो गए, अगेन पॉइंट एंड फिर एक 0। सो दैट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इज 0.78 डिवाइडेड बाय 100। सारे नंबर्स को यहाँ 100 से डिवाइड किया जा रहा है। 0.78 अपॉन 100, पॉइंट हट गया हमारा, 100 अपॉन 1। यहाँ पर हम केवल 78 अपॉन 100 लिखते हैं, डिवाइडेड बाय 1 बाय 100। आंसर इज 78 अपॉन 10,000। 1, 2, 3, 4 जीरो आ गए। अब हमें फोर डिजिट के बाद लगाना होगा यहाँ पर पॉइंट, तो यहाँ 78 के सामने हम लगाएंगे 20, 1, 2, 3, 4 डिजिट होगा, पॉइंट और 0। क्वेश्चन नंबर 4, 432.6 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ 432.6 अपॉन 10, पॉइंट हट गया, डिवाइडेड बाय 100 अपॉन 1। 432.6 अपॉन 10 इंटू 1 बाय 100 इक्वल 4326 अपॉन 1, 2, 3, 1000 हो गया। तो यहाँ डेसिमल पॉइंट आता है, 1, 2, 3, यानी 1, 2, 3 के बाद 4, 3, 2, 6 यहाँ लगाया हमने पॉइंट। सो आंसर इज 4. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज 23.6 डिवाइडेड बाय 100। 23.6 अपॉन 10 डिवाइडेड बाय 100 अपॉन 1। 236 अपॉन 10 इंटू 1 अपॉन 100। यहाँ 236 अपॉन 1, 2, 3 जीरो हो जाएंगे, इक्वल हमें इसे डेसिमल में चेंज करना है, 236, 1, 2, 3 के बाद हम लगाते हैं पॉइंट एंड 0। सो आंसर इज 0.236। क्वेश्चन नंबर 6 इज 98.53 डिवाइडेड बाय 100। सो 98.53 अपॉन 100 डिवाइडेड बाय 100 बाय 1 इक्वल 98.53 अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 100। सो 98.53 अपॉन 100 और ये 0, 100 के 10,000। तो यहाँ पर डेसिमल फॉर्म आएगा 1, 2, 3, 4 के बाद, तो 0.9853 इज द आंसर। सो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2.7 के, रेस्ट क्वेश्चंस हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड थैंक यू।